ओके दोस्तों, तो इस बार केसारी भाई की एक दूसरी मूवी का पूरा ट्रेलर आउट हो चुका है। वैसे मैं वेट कर रहा था संघर्ष 2 मूवी के ट्रेलर का, लेकिन तब तक एक दूसरी मूवी, इसका मुझे पता भी नहीं था, इसका अनाउंसमेंट भी हो गया और ट्रेलर भी आज रिलीज हो चुका है। इस वीडियो में हम इस ट्रेलर पे रिएक्ट करने वाले हैं। संघर्ष मूवी का टीज़र जब आया था, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जब हमने टीज़र चेकआउट किया तो लेवल बहुत ही हाई था। मतलब भोजपुरी सिनेमा में मैंने वैसा टीज़र अभी तक कोई नहीं देखा है। अब इससे भी एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत ही ज़्यादा है संघर्ष 2 का टीज़र देखने के बाद। ये कहाँ से फिल्म आ गई, कब बनी है, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मज़ा आने वाला है। वेव म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आउट हुआ है। हम सीधे इसके थोड़ा क्रेडिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूवी का नाम है फरिश्ता, इसमें मेघाश्री भी होने वाली है। म्यूज़िक और लिरिसिस्ट, मतलब पूरा काम इस मूवी के जितने भी गाने आने वाले हैं, कृष्णा बेदर्दी ने काम संभाला है। तो गाइज़, मैं करूँगा इस ट्रेलर पर रिएक्ट दूंगा, आप लोगों को अपने रिव्यूज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पर हम इस ट्रेलर को रेट करेंगे आउट ऑफ 5 स्टार्स। ट्रेलर टीज़र का काम क्या होता है, एक्साइटमेंट, थोड़ा दर्शकों के बीच में अपनी एक्साइटमेंट, एक हाइप बनाएं अपने कंटेंट के थ्रू, ताकि लोग उत्सुक हो जाएं थोड़ा कि हम देखने जाएं, थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट बने लोगों के बीच में। जैसे संघर्ष 2 जब तक आई नहीं थी, मुझे उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ट्रैक्स आएँ, कब उसका ट्रेलर आए। तो टीज़र का यही काम होता है, इससे भी मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ वैसी ही हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधे ऑफिशियल ट्रेलर में जंप करते हैं, इसे चेकआउट करते हैं। लेकिन आप लोगों का काम क्या है, केसारी भाई के अगर फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो। केसारी भाई के जितने ट्रैक्स आते हैं सभी पर हम कोशिश करते हैं रिएक्ट करने की। जो टीज़र आया था संघर्ष मूवी का, उस पर भी हमने रिएक्ट किया था, इस पर भी करेंगे और सारे ट्रैक्स पर करते रहेंगे हम। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो आप लोग अगर आप केसारी भाई के फैन हो। तो सीधे जंप करते हैं ट्रैक नहीं, ट्रेलर के ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो में। वेव म्यूजिक, फिल्म का नाम फरिश्ता है, तो आइडिया नहीं लगा पा रहा हूं कि थीम क्या होगा मूवी का। ओके, भगवान से हमेशा ये दुआ करें कि अगर मरल मुंह भी देखे ना पड़े। हम तो जानत रहनी कि अभागा मनहूस कहीं मर खप गई, लेकिन okay. हमार किस्मत में ही मनहूस की सकल तो बाहर देखे की निकल गए। हमू अभागा बेटा है, जे माई बाप के रहते हुए भी अनाथ की जिंदगी जिया था। अब तो ही पागल हो गए पा। हम पागल है। ए नाइस स्टोरी लाइन है। नाम राशन कार्ड से काटती, ना ही हमार बेटा रहे ना हो। हर दाम माई बाप के सेवा में है लगल रहला, हर दाम माई बाप के सेवा में है लगल रहला। एक दुनिया पागल कहला। माई भूख लागल बा। तू पागल ना, तू तो हमार राजा बेटा पाड़ा। पाजी, ये पागल यही चरही का रह दो, पागले तो बा हमने के का ले ली। ए हाय धारी, तनी धोके चमका दी तो एक रोके। तू हमरा के पहचानत नहीं की माई। तू ओकरा पीछे मत जा, ओकरा अपन सुन ले के। ओ तोहरा के कैसे पहचानी, जाग ले रही है लो। तहरे ला महिले बानी कुमार करिया। अरे मूवी में ना लुक बहुत ही जबरदस्त है। अरे माई, ये पागल से के ब्याह करी, खाली दिमाग ही ना खंबा, बाकी हाथ घोर तो सब निम्न पाना। ये नाइस है, ये तो मुरारी है ना। वो क्या क्या है इसमें, कितने ट्विस्ट। पापी से मुक्ति चाहिए तो पापी के बारे में भी तो एक बार जान लो। लागे फिर से बनवले भगवान को जान दीन तक वाला। लागे फिर से बनवले भगवान को जान दीन तक वाला। हमरा और लाख रुपी साया से भी नफरत हो गई। क्या करते रे अब आगा भाग भाग यहाँ से। हम बहुत कोशिश कर दी कि बाबूजी के दिल में जगह बना ले, लेकिन शायद हमारा नसीब में प्यार नहीं। अपने आपन ना
होइल सभे गैर हो गइल दुनिया के माली देख के कोनो साजा सबसे पीछा छोड़ा दी पगले बना दी पगले बना दी राम जी पगले बना दी घर से कोई जाए तो पागल पगले बना दी। ओके दोस्तों, तो मतलब इतने ट्विस्ट और टर्न। सबसे पहले तो मुझे यार ये स्टोरी का यार स्टोरी लाइन बहुत ही सही लगी मुझे। पहले तो एक बात कहूँ मैं, हर मूवी में ना केसारी भाई की लुक मतलब आपका ध्यान आकर्षित करेगी ही करेगी। संघर्ष में भी आप देखोगे, और संघर्ष के साथ कंपेयर मत करना, वो बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट जोन है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट जोन है। इसमें ना मुझे एक चीज़ काफ़ी सही लगी, स्टोरी लाइन बहुत ही सही लग रही है मुझे। पहले तो मेरे हिसाब से एक नॉर्मल लड़का जैसा होता है, एक खतरनाक लड़का, फाइट वाइट भी सीन्स है, कुछ एक्शन भी है। फिर मुझे लगता है कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे पागल हो जाते हैं शायद मेरे हिसाब से, और माँ बाप का एक बहुत ही ज़बरदस्त एंगल होने वाला है इसमें। यार ऐसे तो स्टोरी बहुत ही एंगेजिंग लग रही है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है बहुत ही ज़्यादा, और माँ बाप के शायद आगे पीछे घूमेगी पूरी स्टोरी। उससे पहले भी बहुत ही लुक, यार लुक ने बहुत ही यार मेरा ध्यान आकर्षित किया अपनी तरफ केसारी भाई की हर मूवी में। संघर्ष में भी वो जो सफ़ेद बाल वाल नाइस, इसमें भी बहुत ही सही, इसमें तो बहुत सारी लुक हैं नाइस। ऐसे तो मैं आपको कहता हूँ कि ट्रेलर टीज़र का काम ही यही होता है कि लोगों के बीच में ना थोड़ा आकर्षित करे लोगों को, तो इसमें वो सारी बातें मुझे लगी। ट्रैक्स बहुत ही ज़बरदस्त थे, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ही अच्छे थे, जितना दिखाया है जितना छुपाना था उतना ही दिखाया, जिससे ना लोगों को थोड़ा ना हाइप क्रिएट हो जाए थोड़ा मूवी के बारे में। तो इस ट्रेलर को अगर मैं एज ए ट्रेलर जज करूँ, एज ए गुड ट्रेलर जज करूँ, मुझे बहुत ही सही लगा यार। इस ट्रेलर को मैं दूंगा 5 stars out of 5, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर। और आप लोगों को भी मैं रेकमेंड करूँगा ये मूवी, जब भी ये मूवी आए आप लोग ज़रूर देखें इस मूवी को। ट्रेलर देख के आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि स्टोरी लाइन बहुत ही सही होने वाली है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बाय।